तो आज हमारे पास में कार आई है और इस कार में जो है एक नॉइस आ रही है जो काफ़ी हमें कार चलाते समय काफ़ी परेशान करती है। तो इस कार में हम जानने वाले हैं वो किस तरीके से नॉइस आती है, या अगर आपके भी कार में इस तरीके से नॉइस आ रही है और गाड़ी चलाते समय आपका काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, तो इसे जो है आप वीडियो देख के जो है आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि किस चीज़ की ये नॉइस है। तो सबसे पहले हम जो है गाड़ी में बैठ गए हैं और देख सकते हैं जो इसके चारों विंडो होते हैं हमने सब चढ़ा दिए हैं ताकि बाहर की जो नॉइस है वो आ ना सके। तो देख सकते हैं अभी हम गाड़ी चला रहे हैं और देख सकते हैं इस तरीके से नॉइस ये आ रही है। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो है कार के अंदर नॉइस आ रही है जो हमारे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करती है। तो देख लेते हैं अभी कार के अंदर किस जगह से ये अब नॉइस आ रही है। तो जहाँ तक कि हमने डायग्नोस किया है तो ये आवाज़ जो है हमारे पीछे साइड से लेफ्ट साइड से आ रही है, और हर कार में जो है चार व्हील्स होते हैं, चार बेयरिंग आते हैं। तो देख सकते हैं ये जो हमारा व्हील है पीछे साइड का, इस साइड से ज़्यादा जो है गाड़ी नॉइस कर रही है। तो सबसे पहले करते हैं हम गाड़ी को लगा लेते हैं जैक पे। तो गाड़ी जो है हमारी पूरी तरीके से ऊपर आ चुकी है और अब जो है हम इसका निकाल लेते हैं हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक निकाल के हम जो है इसका एक एक व्हील चेक करेंगे किस में आवाज़ आ रही है। तो इस व्हील में तो शायद आवाज़ नहीं है। अब देखते हैं हम जिस पे हमें डाउट है उसे घुमा के चेक करते हैं। तो देख सकते हैं इसी तरीके से जो है हमारे कार के अंदर जो है नॉइस आ रहा है। तो खोलते हैं इसका लेफ्ट साइड का व्हील। अगर आपको डाउट है तो आप जो है चारों व्हील्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार के अंदर जो है इसके अंदर ही ज़्यादातर नॉइस आ रहा था गाड़ी चलाते समय। तो देख सकते हैं अभी जो है हमारे पूरी तरीके से टायर के नट्स जो है ढीले हो गए और ये जो व्हील है ये भी हमारा निकल चुका है। तो देख सकते हैं इसके ऊपर जो है एक चेक नट के ऊपर कैप होती है जो हमें पेचकस से निकाल लेना होता है, और इसके बाद जो हमारा चेक नट होता है इसे जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है ये, तो इसे खोल लेना है। और ये खोलने के बाद ही जो हमारा जो ड्रम है वो आराम से जो है बाहर निकल जाएगा। तो देख सकते हैं नट निकालने के बाद जो हमारा ड्रम है आगे पीछे करना है, थोड़ा पकड़ा हुआ आता है लेकिन निकल जाता है। तो देख सकते हैं निकल गया है, और इसके अंदर जो है बेयरिंग निकालने से पहले एक लॉक होता है, ये हमें ध्यान से निकाल लेना है, और उसके बाद जो है हम इसे हथौड़ी की मदद से जो है इसका बेयरिंग के ऊपर ठोकेंगे जिस वजह से जो बेयरिंग है हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है, आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस से भी आप बेयरिंग को निकाल सकते हैं और फिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसी तरीके से बेयरिंग को निकालते हैं और फिट भी करते हैं। देख सकते हैं हमारा बेयरिंग जो निकल गया है, और इसमें यूज़ कर रहे हम टेक्सपिन कंपनी का बेयरिंग है ये यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है ओरिजिनल MGP का बेयरिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं था और गाड़ी जो है आज हमें देना था, इसी वजह से जो है हम ये वाला कंपनी का इसमें बेयरिंग यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने इस तरीके से बेयरिंग रखा है, और धीरे धीरे करते करते जो इसके ऊपर ठोक लेना है, धीरे धीरे करके ये जो है आराम से बेयरिंग हमारा अंदर बैठ जाता है। आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस से भी आप जो है बेयरिंग लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी अगर आप बेयरिंग लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
बेरिंग को पूरी तरीके से ठोके, पूरा बेरिंग जब तक के फिट नहीं होगा नीचे तक के, तब तक हमारा जो लॉक होता है वो इसमें फिट नहीं होगा। तो देख सकते हैं अब जो है इसका लॉक लगा के देखते हैं, क्योंकि इसका जो कट होता है जहाँ पर हमारा लॉक फिट हो जाता है उस जगह पे ये कट आ जाना चाहिए, और हमारा जो लॉक लग गया है। तो इसके बाद कर रहे हैं हम इसके लाइनर्स की सफाई, जो नॉर्मल पानी से है, या हो सकता है आप हल्का सा डिटर्जेंट लगा के भी यूज़ करें, ना कि हम इससे डीजल वीजल से ज़्यादातर नहीं धो पाते। देख सकते अच्छी तरीके से जो है क्लीन हो गया है, और थोड़ा सा जहाँ पर हमारा बेरिंग लगता है वहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है, ताकि अगली बार जब भी हमारा ड्रम निकले तो आसानी से निकल जाए, ताकि ये पकड़े ना। और इसके बाद लगा रहे हैं हम इसका चेक नट। चेक नट आपको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट मारना है, पुराने से थोड़ा ज़्यादा हल्का सा, ताकि हमारा जो लॉक का कट है वो आसानी से आ जाए। देख सकते हैं इसका जो कट है ये नॉर्मल पोजीशन में आ गया है, और अब हमने जो ले लिया इसका थोड़ा आगे, और इसके बाद जो है हम छन्नी के मदद से जो है इसका लॉक कर देते हैं। ये लॉक करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देख सकते हैं एकदम सही तरीके से जो है हमारा चेक नट लॉक हो गया है, और देख सकते हैं इसकी जो कैप है ये थोड़ी दब चुकी है, पिछली बार शायद किसी ने निकाला था, तो अब जो है हमने इसे थोड़ा सा ठीक कर दिया है। देख सकते एकदम क्लीन सरफेस आ गया है, और इसके बाद जो है हम इसे फिट कर देते हैं। तो देख सकते हैं किसी भी तरीके का इसमें जो है अभी नॉइस नहीं आ रहा है। अभी जो है हम इसका व्हील लगाते हैं और एक जो है टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो देख सकते हैं किसी भी तरीके की हमारे कार के अंदर हमिंग की नॉइस नहीं आ रही है। तो अगर आपके कार में भी इस तरीके से नॉइस अगर आ रही है तो ज़रूर आप जो है चेक करवा लीजिए।